मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं गुड नाइट मॉमी नामक एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं, जो वर्ष 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक परिवार से होती है जिसमें एक माँ और उसके दो जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका नाम लुकास और इलियास है। वे अभी अभी जंगल के बीच और एक झील के पास एक नए घर में चले गए हैं। मम्मी गाना बजाने वालों की सदस्य हुआ करती थी जो स्थानीय टीवी पर काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन लुकास और इलियास अपने घर के आसपास लुका छिपी खेलते हैं। यह महसूस करते हुए कि उनकी माँ घर लौट आई है, दोनों तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि एक महिला है जिसने अपना लगभग पूरा चेहरा ढक रखा है। वो महिला उनकी माँ है जिसकी कॉस्मेटिक फेशियल सर्जरी हुई थी। इससे लुकास और इलियास काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन वहाँ कुछ अजीब चल रहा है। बिना किसी स्पष्ट कारण के माँ केवल इलियास पर अपना ध्यान देती है। वो केवल इलियास को भोजन और पेय प्रदान करती है, केवल इलियास के साथ खेलती है और केवल इलियास के शब्दों का जवाब देती है, जबकि लुकास को अनदेखा किया जाता है। क्योंकि वो अभी भी ठीक होने की अवस्था में है, इसलिए माँ कुछ नए नियम भी बनाती हैं, जैसे कि घर में पूरी तरह से सन्नाटा होना चाहिए, कोई आगंतुक न हो, कोई जानवर न हो, कोई बाहर से सामान न लाए, घर के पर्दे हमेशा बंद होने चाहिए और उन्हें केवल घर के बाहर चुपचाप खेलने की अनुमति है। अपनी माँ के अजीब व्यवहार को देखकर जुड़वा बच्चों को संदेह होने लगता है कि उसकी पट्टियों के नीचे उनकी माँ एक ही व्यक्ति नहीं हो सकती है। मम्मी भी क्रूर व्यवहार करती हैं और इलियास के शरारती या अवज्ञाकारी होने पर उसे शारीरिक रूप से फटकारती हैं। लड़के टिप्पणी करते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो उनकी माँ कभी नहीं करेगी। इससे लुकास और इलियास को और भी यकीन हो जाता है कि औरत उनकी माँ नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें इस तरह नहीं डांटती। एक सपने में कि जुड़वा बच्चे साझा करते दिखते हैं, लड़कों की माँ केवल अपने अंधविया में जंगल में भटकती है। वो पूरी तरह से कपड़े उतारती है, फिर अपनी पट्टियां खोलती है। उसका सिर ऐंठन और घूमने लगता है। अगले दिन लुकास और इलियास जानबूझकर विरोध के रूप में परेशानी पैदा करते हैं। एक लड़ाई छिड़ जाती है जुड़वा बच्चों के साथ कि वे अपनी माँ को वापस चाहते हैं। उनकी माँ को लगता है कि उनके बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। जब इलियास ने दावा किया कि वह उसकी माँ नहीं है, तो माँ उसे दंडित करती है और उसे 10 बार कहने के लिए मजबूर करती है कि वह उसकी असली माँ है। वो उसे लुकास से बात करना बंद करने के लिए भी कहती है। इलियास ये जानकर बहुत दुखी हो जाता है कि मम्मी उन दोनों को अलग करना चाहती हैं। कुछ दिन बीत गए, लुकास और इलियास अभी भी माँ से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी असली माँ जल्दी लौट आए। उस दिन बाद में माँ उन दोनों से मिलना चाहती हैं। वो कहती है कि वो अब नाराज नहीं है। माँ तुरंत एक नए चेहरे के साथ कमरे में प्रवेश करती है जो पट्टियों से ढका नहीं है, लेकिन लुकास और इलियास को अभी भी यकीन नहीं है कि वो उसकी माँ है, उसकी तुलना उसकी माँ की पुरानी तस्वीर से करने के बाद भी। माँ पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफी के रूप में बूमरैंग देती है। इलियास तुरंत घर के बाहर बुमरांग खेलने के लिए माँ की अनुमति पूछता है। जैसे ही माँ ने पिछला दरवाजा खोला, बच्चे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। वे शहर में भाग जाते हैं और अंततः एक पुराने चर्च में जाते हैं और फादर के लिए पूछते हैं। फादर उन्हें पुलिस थाने ले जाने का वादा करता है ताकि वे उनकी माँ के रूप में ढोंग करने वाले की शिकायत कर सकें, लेकिन वह उन्हें बरगलाता है और उन्हें तुरंत घर वापस ले आता है। फादर माँ को समझाने के लिए कहता है, लेकिन वह बस अस्पष्ट रूप से बात करती है कि कैसे दुर्घटना और अलगाव के बाद से चीजें कठिन हो गई हैं। माँ अंदर लौटती है लेकिन इलियास या लुकास को कहीं नहीं पाती। आखिर में वह हार मान लेती है और रो रो कर सो जाती है। उसी रात लुकास और इलियास माँ के साथ कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। वह सुबह उठकर अपने जुड़वा बच्चों को अपने घर में बने गोबलिन मुखौटे में देखती है और इस एहसास को कि वह बिस्तर से बंधी हुई है। जुड़वा बच्चों ने उसे बांध दिया है जिससे उसका बचना असंभव हो गया है। तभी लुकास और इलियास अपनी असली माँ के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं। वह जोर देकर कहती है कि वह उनकी माँ है। लुकास और इलियास अपनी असली माँ की तस्वीर की तुलना माँ से करने लगते हैं। उनके पास लड़ाई है क्योंकि इलियास ने मानना शुरू कर दिया है कि माँ ही उनकी असली माँ है, जबकि लुकास अभी भी आश्वस्त है कि माँ उनकी माँ नहीं है। जब माँ इलियास के साथ अकेली होती है तो माँ इलियास को समझाने की कोशिश करती रहती है कि वह उसकी असली माँ है और इलियास को उसे आज़ाद करने के लिए कहती है। धीरे धीरे इलियास उसके पैरों में बंधा हुआ रस्सी को काटना शुरू कर देता है, लेकिन जब लुकास वापस आता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है तो उसे रोक दिया जाता है। वो प्रदर्शित करता है कि माँ के चेहरे का बर्थमार्क आसानी से निकल जाता है। मम्मी उन्हें बताती है कि उन्होंने इसे सर्जरी में निकाला था। इलियास इस पर विश्वास नहीं करता है और उसे थप्पड़ मारता है। उस क्षण लुकास और इलियास ने बहुत ही अप्राकृतिक तरीकों से माँ को प्रताड़ित करते हुए फिर से अपनी माँ के ठिकाने के बारे में पूछा। वे जो यातना देते हैं वो अत्यंत पागल है। मम्मी कई दिनों तक बिस्तर पर बंदी रहती है। वो अपना बिस्तर गीला करती है। जुड़वा बच्चों ने बिस्तर बदलने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए उसकी बेड़ियों से आज़ाद कर दिया। मम्मी तुरंत इस मौके का इस्तेमाल बचने के लिए करती हैं। हालांकि जुड़वा बच्चों ने एक बूबी ट्रैप बनाया है जिससे वह गिर जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। महिला लिविंग रूम के फर्श से चिपकी हुई है। इलियास उस पर अपनी माँ के बारे में सच्चाई बताने के लिए दबाव डालने के लिए घर को जलाना शुरू कर देता है। माँ अपने जीवन के लिए एक अंतिम बोली में इलियास से कहती है कि अगर वह उसे मुक्त करता है तो वह उसके साथ खेलेगी।
वो दिखावा करेगी कि लुकास फिर से जिंदा है, उसका नाश्ता बनाओ, वो जो चाहे। फिर वह इलियास को रोते हुए समझाती है कि लुकास की मौत उसकी गलती नहीं थी और वह अपने बेटे से उसे मुक्त करने के लिए विनती करती है ताकि वे दोनों त्रासदी से आगे बढ़ सकें। अब यहीं पर सब कुछ प्रकट हो जाता है। लुकास मर चुका है। लुकास विघटनकारी पहचान विकार के परिणाम स्वरूप केवल एकमति भ्रम रहा है, जैसा कि इलियास अपने साथी के निधन को स्वीकार करने में असमर्थ है। शुरुआत में मम्मी इलियास के साथ खेलती है, ऐसा अभिनय करती है जैसे लुकास अभी भी आसपास था। इलियास के लिए लुकास असली है लेकिन माँ के लिए नहीं। तब इलियास उसे ये बताकर कि लुकास क्या कर रहा है ये साबित करने की चुनौती देता है कि वो उनकी माँ है। लुकास पर्दे के पास एक मशाल पकड़े हुए है लेकिन जाहिर है माँ उसे नहीं देख सकती। इलियास का मानना है कि उसकी असली माँ लुकास देख सकता है। फिर वो लुकास से मशाल लेता है और पर्दे को आग लगा देता है। लिविंग रूम में आग की लपटें फैलती हैं। जल्द ही यह माँ को आग की लपटों में घेर लेता है। वह जलती हुई मौत मरती है। फिल्म अग्निशमन दल द्वारा आग बुझाने लेकिन माँ को बचाने के लिए बहुत देर से पहुँचने के साथ समाप्त होती है। फिल्म के अंतिम शॉट में इलियास और लुकास को मकई के खेत से गुजरते हुए और अपनी माँ के साथ निकलते हुए दिखाया गया है। तीनों मुस्कुरा रहे हैं और गले मिल रहे हैं। और वह फिल्म गुड नाइट मॉमी का अंत है। अब स्पष्टीकरण के लिए, घर में जो औरत थी वो असली माँ है, वो कुटिल इरादों वाली प्रतिरूपण करता नहीं है। एक सुंदर घर में एक प्यार करने वाला परिवार एक तलाक और एक बेटे की मौत के कारण नष्ट हो गया। माँ बस एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है और वह प्लास्टिक सर्जरी करवाकर ऐसा करती है। नई शुरुआत के हिस्से के रूप में मम्मी ने भी पुराना घर बेच दिया और दूसरी जगह चली गई। शुरुआत में मम्मी इलियास के साथ खेलती है, ऐसा अभिनय करती है जैसे लुकास अभी भी आसपास था, लेकिन वो इससे थक जाती है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो इलियास को पीटती भी है और धमकी भी देती है कि वो उसके मृत भाई से बात करना बंद कर दे। फिल्म के अंत में हमें दिखाया गया है कि यह संपूर्ण पारिवारिक चित्र राख में विलीन हो जाता है। ये स्पष्ट है कि यह फ्रेम एक विडंबनापूर्ण प्रतिनिधित्व है कि यह कैसे दुर्घटना के बिना निकला होगा जिसने लुकास की जान ले ली। आग लगने के बाद इलियास ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आप फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।